कहना चाहेंगे बताइए। यू आर ए गुड क्वेश्चन भाई। पुलिस वालों के भी हालत खराब हो जाता है इतनी धूप में ड्यूटी करने में, इतना आसान नहीं है भाई। भाई साहब जहाँ भी जाते हैं यार ये देखो ये दिखने को मिलता है हमें, ये लोग सोचते हैं यार ये कर क्या रहा है आखिर, ये कर क्या रहा है। अब तो सवाल होगा हम क्या कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर हमारा सिमरिया की धरती पे आगमन हो चुका है, हमारा ये सिमरिया स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। रामधारी सिंह दिनकर यहीं के थे ना भाई। भाई राजेंद्र पुल जैसे ही आप लोग क्रॉस करेंगे तो आपको उसके बाद एक विलेज या एक एरिया है जिसका नाम है दिनकर ग्राम सिमरिया। ये भाई दिनकर ग्राम सिमरिया इस जगह का नाम इसलिए पड़ा है, यहाँ का बहुत बड़ा इतिहास है। अब बिहारियों का इतिहास सबको बता दो कि यहाँ पर आए हैं तो बिहारियों का एक इतिहास बता दो आप लोगों को। जो दिनकर ग्राम सिमरिया है ये पड़ा है हमारे देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर। आप उनका यहाँ पर स्टैचू भी देख सकते हैं और यहाँ पर लोगों ने किसी खास राजनीतिक झंडा लगा दिया गया है। ये आप लोग बताना है सही है गलत है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए तो काफ़ी अच्छा लगता। किसी भी एक पार्टी का लगाना सही है गलत है आप लोग कमेंट करना, बाकी दिखाते हैं आपको। हालांकि हमारे देश के गौरव है ये रामधारी सिंह दिनकर जी। छोटा सा गांव है सिमरिया में जिनका दिनकर गांव का नाम है सिमरिया, तो उसी के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों यही है हमारे देश के राष्ट्र कवि हमारे देश के गौरव रामधारी सिंह दिनकर। और यहां पर देखे झंडा किनका लगा है, किसी खास राजनीतिक झंडा लगाया गया है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पर डिसाइड करें। इतने बड़े गौरव इतने बड़े महान आदमी के पास हमारे देश का तिरंगा होना चाहिए, किसी विशेष राजनीतिक झंडा होना चाहिए, आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा। इस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते, बाकी हमारा तो मानना है कि यहाँ पर तिरंगा होना चाहिए, हमारे देश का शान आन बान और शान तिरंगा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के ये भी एक गौरव है। तो जय हिंद इनके लिए, जय हिंद जरूर लिखना क्योंकि हमारे देश के गौरव थे रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि बहुत बड़े राष्ट्र कवि थे ये। भाई साहब ये सब जो रोड है ये बेगूसराय का इतना ज़्यादा बिजी रोड है कि भाई यहाँ पर इतना चिल्ला के बोलना पड़ता है फिर भी पर आप लोगों को भाई सुनाई नहीं पड़ता होगा मुझे पता है यार, पर मैं क्या करूँ मेरे पास माइक नहीं है, मैं माइक लेने की सोच रहा हूँ भाई। फिलहाल मैं लिफ्ट लिफ्ट मांगते हैं, देखते हैं कितने समय हमें लिफ्ट मिलता है। हालांकि अब तो हमारा सफ़र बहुत ही आसान हो गया है दोस्तों, करीब वही 50 किलोमीटर 40-45 किलोमीटर रह गया होगा खगड़िया में भी, जल्दी जल्दी लिफ्ट मिल जाए। क्या हो गया भाई साहब, 0 माइल के पास लिफ्ट मांग रहे थे और हमें ये भाई साहब जी मिले थे। और आपका नाम सर जी? वीरेंद्र कुमार जी हैं और ये है। और आपका नाम सर जी? अजीत कुमार जी और ये वीरेंद्र कुमार जी हैं और इन्होंने लिफ्ट दिया है करीब बेगूसराय तक का, जो कि यहाँ से 12-15 किलोमीटर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप इस देश के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? जो हमें न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि यार देश में लड़ाई है ऐसे वैसे, ऐसा रियलिटी में नहीं है, लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। जो हमने देखा है पूरे देश में घूमकर वो हम बता रहे हैं आपको।
फिलहाल पहुंचते हैं बेगूसराय। तो भाई साहब ये है बेगूसराय, जो कि बेगूसराय एंट्री कर गए और यहाँ पर देख सकते हैं भाई पुलिस वालों के भी हालत खराब हो जाता है इतनी धूप में ड्यूटी करने में। इतना आसान नहीं है भाई कहीं भी ड्यूटी करना। बाकी ये हमारा आगे का सफर इसी रास्ते से चलेगा, ये सीधा जाएगा भाई हमारा साहिबपुर कमाल होते हुए खगड़िया मानसी। गाइस बहुत समय से लिफ्ट मांग रहे थे लेकिन यहाँ पर लिफ्ट मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर हमें जब आए तो भाई कहीं माइक से हमें गाना सुनाई दिया, एक लड़की अपने क्या बोलते हैं ना उसको अपने किससे कहती है मतलब प्रेमी से, एक लड़की अपने प्रेमी से कहती है तुम पे की मैं भरोसा तोरा साथी रे प्यार का रोग लगा के छोरा साथी रे, तो इस टाइप का गाना है भाई। आप लोग YouTube पे ये सर्च जरूर करना, आपको गाना मिलेगा, बहुत ही बढ़िया गाना है भाई, ना इसमें गंदगी है ना कुछ है, एकदम गाना बहुत ही बढ़िया। ये बहुत पुराना गाना है, पहले सुनते थे लेकिन यहाँ आके हमें एक माइक में सुना तो हमें याद आ गया। बाकी यार लिफ्ट मिलने का इंतजार है। तो भाई साहब बेगूसराय मेन सिटी में थे और हमें ये सब चीज़ मिले थे और इन्होंने हमें लिफ्ट दिया करीब 2 किलोमीटर का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी आगे की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं लिफ्ट मांगते हैं, अभी ट्राई करेंगे हिच हाइकिंग, लिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हालांकि बेगूसराय के अंडर ही है हम और आगे बढ़ चुके हैं और जहाँ भी भाई खड़े होते हैं आसपास गांव है, किन्हीं का घर है, तो घर से निकल के भाई लोग हमको देखने लगते हैं, पता नहीं कौन आ गया है, एकदम भाई एक तक देखते रहेंगे भाई, पता नहीं। इधर भी बहुत लोग हैं, आप देख सकते हैं, आप अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ औरतें हैं वहाँ पर, वो लोग सब देख रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, वहाँ पर कुछ लोग देख रहे थे, ये देखो ऐसे ऐसे लोगों के लिए ही रतन टाटा ने नैनो बनाया था, लेकिन ये लोग मानते नहीं है, रतन टाटा के नैनो गाड़ी को भारत में लोगों ने डिग्रेड कर दिया, अरे तो सस्ता गाड़ी है, डिग्रेड कर दिया, लेकिन एक पर चार चार बैठे हुए हैं। बाकी मुझे पता है ऐसी जगह मुझे बाइक से ही लिफ्ट मिलेगा भाई, भाई कोई बात नहीं, हम तो लिफ्ट मांगेंगे। मुस्कुराने का फायदा हुआ, एक गाड़ी रुकी, उनसे बात करते हैं। तो भाई साहब ये भाई जी मिले हैं, इन्होंने हमें लिफ्ट दिया है बलिया तक का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपके नाम मिट्टू जी है, इन्होंने लिफ्ट दिया है करीब बलिया तक का। तो भाई साहब अभी जिस एरिया में हमें, इस एरिया का नाम है बलिया, और बलिया पहुंचे हैं और बलिया से यहाँ के करीब खगड़िया की दूरी है 30 किलोमीटर, तो लिफ्ट मांग रहे हैं यहाँ से। बाकी कुछ भाई लोग ने यहाँ तक छोड़ दिया हमें और सफ़र थोड़ा बहुत और बच गया है, इसको पूरा करना है। थोड़ा अभी आशंका इस डर इस बात का है कि थोड़ा यहाँ पर बारिश हो सकता है भाई, तो ये दिक्कत है। बाकी देखिए ये माहौल देखिए बारिश का भाई, एकदम पूरा बारिश का मौसम बन रखा है और लिफ्ट कोई दे नहीं रहा है, हालांकि अभी शुरुआत की है, पता नहीं लोग समझ भी रहे कि नहीं समझ रहे, पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा भाई, हाथ दिखाना पड़ेगा मुझे। यहाँ के लोग भी कह रहे थे कि हाथ दिखाओ यहाँ पे, ये मत दिखाओ, लोगों का भी कभी बात मानना चाहिए। तो भाई साहब जहाँ भी जाते हैं यार ये देखो ये दिखने को मिलता है हमें, ये लोग सोचते हैं यार ये कर क्या रहा आखिर, ये कर क्या रहा है, आपको भी सवाल होगा हम क्या कर रहे हैं ना, इसीलिए लोग देखने लगते हैं भाई, भीड़ लगा देते हैं, ये देखो भाई पूरा एकदम। तो भाई साहब अभी ये जगह इस जगह का नाम है बड़की बलिया, वहाँ पे लिखा हुआ भी है बड़की बलिया। इस जगह पे लिफ्ट मांग रहे थे करीब 15-20 मिनट से और हमें ये भाई साहब मिले हैं। भाई आपका नाम क्या है? राजू कुमार भाई है। इन्होंने करीब 15 मिनट बाद आए भाई साहब ने हमें लिफ्ट दे रहे हैं खगड़िया तक का, खगड़िया कितने भाई यहाँ से? ओके भाई थैंक यू सो मच यार, बैठते हैं भाई के साथ और खगड़िया तक का सफ़र करते हैं, फिर वहाँ से मानसी भी जाना है, वहाँ तो आप जाएंगे वहाँ से, अरे भाई साहब मानसी भी जा रहे हैं।
भाई साहब ये जो भाई हैं ये हमें लिफ्ट देने वाले से करीब हमें बोला वो खगड़िया, और फिर मैंने बोला मानसी, तो फिर मानसी भी आए, और फिर मैंने इनको बोला कि मैं जा रहा हूँ भाई बदला घाट, जो कि मेरा अपना रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे मेरा गांव है बरमाहा। भाई बोले कि मैं उस रास्ते से ही जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच भाई। और भाई के साथ करीब 50 किलोमीटर का सफ़र रहा हमारा। लास्ट इनके साथ बड़की बलिया एरिया था, वो वहाँ से डायरेक्ट हमारे घर तक छोड़ा है, और मेरा घर गाँव इधर है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पटना से आपको अपने घर तक जर्नी दिखाया। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दुनिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय हिंदुस्तान।